कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारत में लुभानी T20 लीग IPL का आयोजन 15 अप्रैल तक टाल दिया गया है। जानलेवा बीमारी के कारण IPL लगातार खतरे के बादलों से मंडरा रहा है। कोविड-19 महामारी के चलते इंडियन प्रीमियर लीग 15 अप्रैल तक स्थगित किए जाने के बाद लीग की 8 फ्रेंचाइजी ने टूर्नामेंट से पहले के अपने शिविर आगामी सूचना तक रद्द कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें, IPL का 13वां सीजन कोरोना वायरस की वजह से रद्द होने की बुरी खबर सुनने के लिए सभी टीम मालिक ने खुद को तैयार कर लिया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना अभ्यास शिविर रद्द कर दिया, जो 21 मार्च से शुरू होना था। 3 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने शिविर पहले ही रद्द कर दिए थे। वहीं आपको बता दें, RCB ने ट्वीट किया, सभी की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखकर 21 मार्च से शुरू होने वाला RCB अभ्यास शिविर आगामी सूचना तक रद्द कर दिया गया है। हम सभी से स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करके सुरक्षित रहने का अनुरोध करते हैं। वहीं आपको बता दें, RCB के कप्तान विराट कोहली हैं। 3 बार की चैंपियन CSK ने शनिवार को ही शिविर स्थगित कर दिया था, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई से रांची चले गए। वहीं आपको बता दें, IPL की एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कहा, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते IPL स्कूल, कॉलेज, मॉल और थिएटर सभी बंद है। स्वास्थ्य विभाग के नए आदेशों के बाद से जिम भी बंद है। ऐसे में हो सकता है कि लीग इस सीजन के लिए रद्द कर दी जाए। हालांकि BCCI ने IPL फ्रेंचाइजियों के मालिकों के साथ फैसला लिया है कि वो इस महीने के आखिरी तक देखो और इंतजार करो की नीति पर चलेंगे। IPL के भविष्य पर फैसला महीने के अंत में लिया जाएगा। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के कारण 15 अप्रैल तक स्थगित IPL अगर होता है तो छोटा होगा, बस शर्त है कि हालात में सुधार आए। अगर हालात में सुधार आते हैं तो IPL जरूर होगा। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।